नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो वर्ल्ड में। दोस्तों, आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, आपने इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जवानों को कई बार सैल्यूट करते हुए देखा होगा। उनके द्वारा किया गया ये सैल्यूट सम्मान देने का एक तरीका है, लेकिन आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि जल, थल और वायुसेना के जवानों का सैल्यूट करने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर क्यों अलग है इनके सैल्यूट करने के तरीके। इंडियन आर्मी में सैल्यूट करते समय हथेलियों को सामने की तरफ रखा जाता है, सारी उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और बीच वाली उंगली आईब्रो के पास होती है। ये सैल्यूट ट्रस्ट दिखाता है और इस बात को दर्शाता है कि उसके पास किसी भी तरह का हथियार नहीं है और सामने वाले का सम्मान वो किसी गलत इरादों के साथ नहीं कर रहे हैं। अब जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के सैल्यूट के बारे में। साल 2006 में इंडियन एयरफोर्स के सैल्यूट करने के तरीके में बदलाव किया गया था। पहले एयरफोर्स का सैल्यूट करने का तरीका आर्मी के तरह ही था। नए तरीके में सैल्यूट करते समय हथेली 45 डिग्री के एंगल पर झुकी होनी चाहिए। इसके साथ ही दायां हाथ आगे की ओर थोड़ा सा उठा होना चाहिए। उनका सैल्यूट करने का स्टाइल आर्मी और नेवी के बीच का सैल्यूट स्टाइल है। एयरफोर्स ने ये स्टाइल इसलिए अपनाया क्योंकि वो सेना के बाकी दोनों अंगों से अपना स्टाइल अलग रखना चाहते थे। अब बारी आती है इंडियन नेवी की। नेवी में सैल्यूट करते वक्त हथेली जमीन की तरफ 90 डिग्री के एंगल में झुकी होती है। ऐसा सैल्यूट वो इसलिए करते हैं क्योंकि पहले जवान जब जहाज पर काम किया करते थे तो कई बार उनके हाथ ग्रीस या ऑयल की वजह से गंदे हो जाते थे। अपने इस गंदे हाथ को छुपाने के लिए और सीनियर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए वो अपनी हथेलियों को नीचे की ओर झुकाकर सैल्यूट करते थे। तब से आज तक इंडियन नेवी में सब इसी तरह से सैल्यूट करते आ रहे हैं। एक हिंदुस्तानी होने पर हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? इससे जुड़ी जानकारी में कुछ खोट रह गई हो तो हमें माफ करें। कृपया करके देखते रहें हमारा चैनल टेक्नो वर्ल्ड। धन्यवाद।